हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मस्त, मज़े? आई होप मज़े में होंगे। चलिए बेटा, आज की क्लास में हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, और न्यू लेक्चर हमारा न्यू चैप्टर का होने वाला है, जो कि है पॉलीनोमियल का। ओके बेटा, पॉलीनोमियल हमारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये चैप्टर हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है हमारा, वो भी इसी पर डिपेंडेंट है। इसमें काफ़ी सारी ऐसे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं इसमें, जिसमें अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो कहीं ना कहीं अदर चैप्टर से हमारे रिलेटेड जरूर हैं। ओके, तो इसलिए क्या करना है आपको, फटाफट से अच्छे से ध्यान देना है इस चैप्टर पर। क्लियर है? बहुत मजेदार टॉपिक है, चैप्टर है, और बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए बेटा, तो आपको पता है हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं डिस्कशन। ओके, जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे साथ क्लास 6 to 10th के आप ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में एनटीएससी जैसी एनटीएससी एनएससी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि 6 to 10th के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स हैं उनके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। न्यू थीम के साथ आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि इस बार हमने इसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो बेटा, आपको पता है कि आप किस तरह से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहले तो इस साइन से आप काफी अच्छे से वाकिफ है। ये किसका साइन है? टेलीग्राम का। तो फटाफट बिना देर किए क्या करना है आपको, टेलीग्राम डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा, तो वहां पर आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है, मतलब कि वहां पर आपके लिए काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, और उन ग्रुप्स के कोड दिए हुए हैं। और ये आप जैसे ही कोड अप्लाई करोगे तो आपको डीपीपीज और स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से चेक कीजिए, आपकी क्लास 6 का जो ग्रुप कोड है वो है t.me/ttb06। क्लास 7 का भी इसी तरह है, क्लास 8 का भी इसी तरह। मेनली हमारी तो क्लास 9 है, तो t.me/ttb09, और क्लास 10 का t.me/ttb010। तो बेटा, आपको क्या करना है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, कोड अप्लाई कीजिए, और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल पर पहुंच जाइए और चेक कीजिए फटाफट से और किस तरह का है, और साथ में अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाइए। अगर बेटा आपको लगता है कि और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारी इस पूरी कंप्लीटली टीम के साथ आपको ऐड होना पड़ेगा। हर फैकल्टीज के आपको लेक्चर्स लेने होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है, काफी औसम टीम है हमारी। साथ में अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो आपको पता है काफी अच्छे से हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काफी सारी चीजें करते हैं, जैसे कि आपको अगर प्रिपरेशन और बेहतर बनानी है अपनी बहुत शानदार अच्छे से जबरदस्त, तो क्या करना होगा, वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा जो कि आपको टॉप पर नजर आ रही है, www.talkingtextbook.in। बेटा, जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करोगे ना, तो आपको इस तरह के काफी सारे वहां पर पैकेज बने हुए मिलेंगे। ओके, आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। उन्हीं में से हमने एक सैम्पल डेमो आपके लिए लिया है ताकि हम इसे आपके सामने एक्सप्लेन कर सके, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। बेटा, इसका कॉस्टिंग है 9,000 रुपीज, और इस 9,000 रुपीज में आप साइंस और मैथ्स के ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने वाले, जिसमें आपके लिए कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस, तो पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें हैं। तो फटाफट से बिना देर किए कहाँ पहुंच जाइए, बायनो पर पहुंचे। और बेटा, आपको लगता है कि नहीं हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशियंट है, सिर्फ हमें तो ओनली ऑन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो हमने यहाँ पर आपके लिए भी ऑप्शन रखा हुआ है टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है आपके सामने 3,500 रुपीज का। ओके, तो बेटा आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, और सीधा कहाँ आना है, प्राइस डिटेल्स पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आते हो तो मैं आपके लिए काफी अच्छा एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं, और इसका कोड है बेटा LS Live। क्या है बेटा? LS Live। ये इतना अच्छा कोड है ना, अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो यहाँ आपको सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 30% का डिस्काउंट, मतलब कि जैसे फर्स्ट पैकेज हमारा 9,000 रुपीज़ का है, तो इसमें से लेस कर दो आप 2,700 रुपीज़, तो ये कितने का मिलेगा, 6,300 रुपीज़। मतलब कि 6,300 रुपीज़ में आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिल रही। तो देर किस बात की, फटाफट से बाई पैकेज पर क्लिक कीजिए। ओके, यही केस टेस्ट सीरीज के लिए भी फॉलो होता है, टेस्ट सीरीज पर भी आपको 30% का डिस्काउंट है, लेकिन कब, जब आप ये कोड अप्लाई करोगे, वरना आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए यहाँ पर, और कहाँ आ जाइए, सीधा पेमेंट गेटवे पर। बेटा, जैसे ही आप पेमेंट गेटवे पर आते हो तो हम आपके लिए पेमेंट गेटवे पर काफ़ी सारे ऑप्शंस लेकर आए हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आपको जिस फैसिलिटी से आपको पेमेंट करना है, उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कीजिए, और फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और अपने प्रैक्टिस को अच्छे से इंप्रूव कीजिए, और अपना जो सिलेक्शन है 110% श्योर कीजिए। ओके,
तो चलिए बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो एक काफी बेहतरीन नंबर, काफी शानदार नंबर 9549044111। तो इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हो, आपको किसी भी तरह की इस पूरी प्रोसेस में प्रॉब्लम है या टीटीबी से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो फटाफट से आप कॉल कीजिए और अपने जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए। ओके, चलिए, आपको तो पता है काफी अच्छे से कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है, कार्डिनल प्रॉमिस करना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। प्रॉमिस एक ऐसी चीज है जिससे क्या होता है कि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं। ओके, तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा, स्मार्ट आप ऑलरेडी हो ही सही, आपको क्या बनना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। तो स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए फटाफट से पेन कॉपी लीजिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके, चले आगे। चलिए, तो ये जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, आपको काफी अच्छे से नजर आ रहा है। मेनली आज का हमारा लेक्चर है इसके इंट्रोडक्शन बेस पर। किसके बेस पर है बेटा? इंट्रोडक्शन के बेस पर, जो कि काफी जबरदस्त रहने वाला है। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है, क्या क्या टर्म्स होती है, कौन कौन सी इसमें डेफिनेशंस यूज की जाती है, हर एक चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसमें। ओके, चलिए बेटा, ये हमारे जो लेक्चर है उसके कुछ लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं, साथ में कीवर्ड्स होने वाले हैं। और वाई दिस लेक्चर, ये लेक्चर क्यों है? क्योंकि इसमें आप समझोगे टू अंडरस्टैंड, क्या समझोगे बेटा? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, साथ में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि पूरे कंप्लीटली पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इसमें मिलने वाला है। ओके, चलिए फटाफट से। तो यहां पर लेक्चर स्टार्ट हो गया बेटा हमारा। पॉलिनोमियल हम थोड़ा बाद में देखेंगे, उससे पहले इसकी जो जनरल डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल की नहीं, इसमें जो बेसिक डेफिनेशन यूज होती है हमारे काम आने वाली, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे जनरल टर्म्स बोल दीजिए आप, फर्स्ट से आपके सामने कॉन्स्टेंट, इससे तो आप काफी अच्छे से जानते हैं कि कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो देखो, ये सिंबल है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होती है बेटा? फिक्स्ड होती है। कैसी होती है? फिक्स्ड, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल टू, टू है, टू फिक्स है, थ्री फिक्स है, 4/5 फिक्स है। क्लियर है? मतलब हमने क्या बोला कि जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो। पाई, ई, ये सब कैसी वैल्यू है? फिक्स वैल्यू है ना। पाई के क्या लिखते हो, या तो 22/7 लिखते हो या 3.14 लिखते हो अप्रोक्स। ओके, तो ये सारी वैल्यूज कैसी है बेटा? फिक्स है ना, इसीलिए हमने दिया हुआ एक एग्जांपल आपको, जैसे टू हैज ए डेफिनेट वैल्यू। ओके, इट इज अ कॉन्स्टेंट, ये क्या है? कॉन्स्टेंट है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, हाथ में कितने फिंगर है मेरे? 5 फिंगर्स है, ठीक है। अब आपके हाथ में भी तो 5 फिंगर्स ही है, आपके हाथ में भी 5 फिंगर्स। अब कोई आप बोलोगे कि सर मेरा तो 4 ही है, तो वो कोई रियर केसेस में हो सकता है, या तो आई नहीं हो बचपन से, या फिर एक्सीडेंट। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम कह सकते हैं हम, कुछ इंसिडेंट की वजह से अगर हमारे हाथ में 5 की जगह 4 ही फिंगर्स हो, तो वो बात अलग है, वरना एक फिक्स्ड क्या होती है? 5 ही होती है ना। ओके, तो इसीलिए बोला गया है कॉन्स्टेंट वो होता है जिसमें क्या होती है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसमें फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगा, आपका कॉन्स्टेंट होगा। ओके, जैसे आपको यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। चलिए, कॉन्स्टेंट के बाद आता है सेकंड आपका वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल भी कॉन्स्टेंट जैसे ही होता है, एक तरह से ए सिंबल विच टेकन ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि आपके पास एक ऐसा सिंबल वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मान लो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1 + x = 3, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, यहां पर x क्या है? वेरिएबल है। y क्या होगा? वेरिएबल। z क्या होगा? वेरिएबल। मतलब कि हम अल्फाबेटिक टर्म से ही, अल्फाबेटिक जो अल्फाबेट होता है हमारा, उन्हीं से क्या करते हैं, वेरिएबल को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल वो होता है जो अगर किसी इक्वेशन में या किसी टर्म में हो और उसकी हम अगर कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो उसको पूरे को क्या करता है, चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर 1 + अब आपके पास यहाँ 3 है, तो 1 में आप क्या ऐड करोगे? 2 ऐड करोगे, जब भी आपको क्या मिलेगा बेटा? 3 मिलेगा। मतलब कि x क्या था यहाँ पर? 2।
जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू को 2 पुट किया आपको 3 मिल गया। तो वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर उसके साथ में हम वैल्यू पुट कर देते हैं कोई, तो वो पूरी वैल्यू को क्या करता है, चेंज कर देता है। ओके, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी आप लेना चाहें वो सारे आपके क्या होंगे बेटा, वेरिएबल्स होंगे। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपको दिख रहा है, एक्स वाई भी हमने लिया है, एक मैंने आपको इस फॉर्म में समझा दिया है। ओके, तो आप ध्यान रखना वेरिएबल आपके वो टर्म्स हो गए एक तरह से, या वो कंडीशन हो गई जिसकी आपने अगर वैल्यू पुट की, तो वो पूरी ही इक्वेशन या जो भी हमारी जनरल टर्म में एक्सप्रेशन है उसको क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। ओके, चलिए फटाक से नेक्स्ट आता है कॉफिशियंट। अब कॉफिशियंट तो मजेदार है, कॉफी और शियंट, है ना, कॉफी से बन के शियंट हो गया ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉफिशियंट क्या होता है, इन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। अब कॉन्स्टेंट मैंने आपको क्या बताया, फिक्स्ड वैल्यू मतलब कि 2x, 2 हो गए, ठीक है। वेरिएबल अभी आपने लिया 2x, ओके, ईच कॉल्ड द कॉफिशियंट, जिसे हम क्या कहते हैं कॉफिशियंट, कैसे कैसे, देखो यहां क्या है, ये है आपके पास कॉन्स्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल है। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास वेरिएबल, ओके, ये हो गया आपके पास कांस्टेंट। ओके, अब देखो हमने क्या बोला है, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है, प्रोडक्ट, क्लियर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए फटाक से इसे नोट कीजिए जल्दी से जल्दी, बिना देर किए फटाफट से। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां पर जैसे वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स, आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि वेरिएबल का कॉन्स्टेंट क्या है, तो यहां पर वेरिएबल है हमारे पास एक्स, तो एक्स का कॉन्स्टेंट क्या है, वेरिएबल के साथ में जो हमारा नंबर रहेगा, ओके, वही क्या होगा हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होगा, ओके, उस वेरिएबल का कॉन्स्टेंट होगा। तो यहां एक्स का कॉन्स्टेंट क्या है, 2 है, कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स, जैसे ये दिया हुआ है आपको 3x² + 5x + 2, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर वेरिएबल एक तो एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स, ठीक है, वेरिएबल तो एक्स एक्स, लेकिन यहां स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहां डिग्री कितनी इसकी, 1 डिग्री के बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपकी कांस्टेंट हो गई, तो इसको तो हटा दो, हमारे काम का ये है, क्यों, क्योंकि हमेशा वेरिएबल का कांस्टेंट पूछा जाता है, तो इसके साथ तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये तो हो गया हमारा अलग। ओके, यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट क्या होगा बेटा, 3 होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 3 है ना, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो वेरिएबल के साथ में रियल नंबर होगा वही क्या होगा आपका वेरिएबल का कॉफिशियंट। ओके, इसी तरह से यहां पर एक्स के साथ में क्या है, 5 है, तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या होगा, 5 होगा। ओके, फटाफट नोट करो इसे, चले आगे। चलिए फिर आता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का साथ में, इनमें क्या होता है, ये साइन आपको काफी अच्छे से पता है, मतलब कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों अगर इन साइन से रिलेटेड होकर जुड़े हुए हैं, तो वो क्या बनाएंगे आपके एक पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखो ये क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट, ओके, ये क्या है आपके पास वेरिएबल, ओके, माइनस 2, ओके, वाई 2x ले लो, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे किसी तरह का। एक्स स्क्वायर ले लो, ओके, क्लियर, या फिर 3x + 9, ओके, तो देखो ये क्या है, ये क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, ये फटाफट से देखो क्या नजर आ रहा है, ये तो आपका वेरिएबल हो गया, ये आपका कॉफिशियंट हो गया, वेरिएबल का कॉफिशियंट, ये क्या होगी कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पर लो 7 ऐड कर दो, क्या हो गया ये कॉन्स्टेंट टर्म, ओके, ये कॉफिशियंट, ये वेरिएबल, वेरिएबल, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यही तो बोला है कि कॉम्बिनेशन किसका, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का, लेकिन किसके साइन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसके साइन से वो जुड़ा हुआ हो, ये क्या बनेगा आपका पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फटाक से नोट करो, चलें आगे। चलो अब आता है मेनली हमारे पास पॉलिनोमियल। ओके, अब पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, पॉलिनोमियल में पहले आपको बता देता हूं, पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है, कितने वर्ड से बेटा, 2 वर्ड से, पॉली एंड
नॉमियल। पॉलीगामीन क्या है? मेनी। पॉलीगामीन होता है मेनी, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। क्लियर? तो पॉलीनोमियल होगा आपका एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया अभी आपको, कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो यहां पर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, क्या हो? बहुत सारी टर्म्स हो, मेनी टर्म्स। क्लियर है? समझ में आया? तो चलो डेफिनेशन पर चलते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी जस्ट आपने लास्ट में स्टडी किया है, एफ एक्स। कोई हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्या है वो? एफ एक्स। ओके, ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? उसकी फॉर्म है हमारे पास ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर 3 बोल दो, या एक्स क्यूब बोल दो, प्लस ए फोर एक्स की पावर 4, इस तरह से कहां तक? ए एन एक्स की पावर एन। ओके, क्लियर है? तो हमारा पॉलिनोमियल हम किसे बोलेंगे? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एफ एक्स, ठीक है, किस फॉर्म में हो? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस दिस 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 ए एन एक्स की पावर एन। ओके, क्लियर? अब यहां पर आप जो ये ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है? यहां पर रियल नंबर है। क्या है बेटा? ये यहां पर रियल नंबर है। ओके, और साथ में ये ध्यान रखना, ये जो एक्स, एक्स की पावर यहां कुछ नहीं है, मतलब कि वन, यहाँ स्क्वायर, फिर क्यूब, पावर 4, 5, 6, कहाँ तक? एन तक। तो ये जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं होगी। कैसी होगी? ये पॉजिटिव ही होगी। ओके, और साथ में आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि एक्स का जो कॉफिशियंट रहेगा वो क्या रहेगा यहां पर? ए वन, और ए वन कोई रियल नंबर है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए टू, वो भी रियल नंबर है। एक्स क्यूब का कॉफिशियंट ए थ्री, रियल नंबर। एक्स की पावर 4 का कॉफिशियंट ए 4, रियल नंबर। तो यहां पर एक्स की पावर एन का कॉफिशियंट क्या है? ए एन है, जो कि क्या है आपके पास? रियल नंबर है। क्लियर है? तो समझ में आया आपको पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, वो क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल होगा। और या फिर आपको अगर इस तरह से याद रखना है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे आप एफ एक्स से डिनोट कर रहे हो, और वो किस फॉर्म में हो? वो पूरा कंप्लीटली इस फॉर्म में हो जिसमें ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए एन, ये तो क्या हो? रियल नंबर हो। और एक्स की जो पावर हो, क्या हो? वेरिएबल की जो पावर हो, वो कैसी हो बेटा? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब कि नेगेटिव नहीं हो। ओके, फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से चले आगे। चलिए, इसके लिए मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन आपको जैसे कि यहां पर नजर आ रही है, फर्स्ट को ले लेते हैं हम, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव। यहां पर हमारे पास एक क्या है? पॉलिनोमियल है। ओके, रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाहर है, ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? क्या है बेटा? यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट रूट थ्री है, क्लियर, प्लस एक्स माइनस फाइव, क्लियर, इज ए पॉलिनोमियल। ये क्या है? एक आपके पास पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स। वेरिएबल एक्स इज ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि जो ये वेरिएबल एक्स जो आप देख रहे हो, इसकी जो पावर नजर आ रही है आपको, इंडेक्स मीन पावर। क्लियर है? जब हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया, तब मैंने क्या बताया था आपको? जो हमारे पास इंडेक्स होती है उसे हम पावर भी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर इंडेक्स नेम दिया गया है, तो इंडेक्स से आपको क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1, ये कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। चलो सेकंड को देखो, सेकंड है हमारे पास रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस फाइव एक्स। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? देखो, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। रीजन क्या है? जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो रूट थ्री एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल नंबर तो रूट में हो सकता है, लेकिन लेकिन सेकंड है आपके पास रूट एक्स, है ना? तो जब आप इस वेरिएबल को पावर में कन्वर्ट करोगे, तो इस वेरिएबल को पावर में कन्वर्ट कैसे करोगे? एक्स की पावर 1/2 करोगे। क्या करोगे? एक्स की पावर 1/2 करोगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में तो हो ही नहीं सकती पावर। ओके, क्लियर है? समझ में आया? पावर कैसी होनी चाहिए? रियल नंबर ही होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सेकंड टर्म आपको क्या मिलेगी? एक्स की पावर 1/2, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलो थर्ड,
थर्ड है हमारे पास यहाँ पर 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 6। ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x, यहां पर आप देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां हमारे पास क्या आया है, माइनस 5 बाई एक्स। जब हमने एक्सपोनेंट स्टडी किया तो हमने क्या किया कि इस x को जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा बेटा, पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसे क्या लिखोगे, 5x की पावर माइनस 1। तो हमने तो यहां क्लियर बोला है ना कि कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव होने चाहिए, जबकि यहाँ हमें क्या मिला, नेगेटिव मिला। ओके क्लियर है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, एक तो वेरिएबल हमारा कैसा ना हो, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शंस फॉर्म में ना हो, सेकंड वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो। ओके चलिए फटाफट से नोट कीजिए, आगे चले फटाफट। चलिए अब आता है हमारे पास डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, क्यों? क्योंकि अगर पॉलिनोमियल की हमें डिग्री पता है तो डिग्री के बेस पर ही एक तरह से इसका क्लासिफिकेशन है, डिग्री के बेस पर क्लासिफिकेशन है, और भी अदर टाइप्स पे भी इसका क्लासिफिकेशन है, लेकिन डिग्री हमें पता होना जरूरी है। डिग्री क्या होती है, हाइएस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स, मतलब कि वेरिएबल की हाइएस्ट पावर। कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल की हाइएस्ट पावर कितनी है बेटा, कितनी है, एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब कि 1। तो ये पॉलिनोमियल जो होगा इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ओके एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये 4x² माइनस एक्स प्लस 6। अब इसकी हमें क्या करनी है, डिग्री बतानी। तो इसकी डिग्री किस तरह से बताएंगे, हम वेरिएबल की हाइएस्ट पावर देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। अब इस एक्स वेरिएबल की हाइएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर कितनी है, यहाँ तो 1 है, यहाँ कितनी है बेटा पावर, 2 है। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। ओके इसको देख लेते हैं थर्ड वाले को, वेरिएबल एक्स एक्स एक्स, वेरिएबल एक्स है, यहाँ कितनी है पावर, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हुई, फटाफट से मुझे बता दो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हुई आपके यहाँ पर 3। ओके तो ये जो पॉलिनोमियल रहेगा ये कितना रहेगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा। ओके क्लियर है, समझ में आया, फटाक से इसे नोट करो। और मैं आपको बताने वाला हूँ अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको सिर्फ डिग्री में ये याद रखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में, कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही हमारी क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। यहाँ इंडेक्स से कंफ्यूज मत होना, इंडेक्स मीन पावर होता है, और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ओके फटाक से नोट करो, चलो थोड़ा हम ज्यादा आगे आगे चलो। अब बेटा हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। ओके तो जनरली पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है, वी डिवाइड द पॉलिनोमियल इन द कैटेगरीज, हम पॉलिनोमियल को जनरली इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसे आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो बोलते ही हो। फर्स्ट क्या होगा, बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, वेरिएबल के बेस पर, किसके बेस पर बेटा, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। सेकंड आता है बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर, अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल की डिग्री के बेस पर भी हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। थर्ड आता है हमारा टर्म्स के बेस पर, किसके बेस पर, टर्म्स के बेस पर। ओके तो पॉलिनोमियल को मेनली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल के बेस पर, सेकंड डिग्री के बेस पर, और थर्ड टर्म्स के बेस पर। ओके हमारे लिए ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो हमें सिर्फ ये देखना है 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, या 3 वेरिएबल है। देखो या तो 1 वेरिएबल होगा तो x होगा, 2 वेरिएबल होंगे तो x और y होगा, 3 वेरिएबल होंगे तो x, y, z होगा। ओके इसलिए इसमें तो कोई ज्यादा हमारे लिए कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मेनली हमें इन दोनों को अच्छे से स्टडी करना है। ओके फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम आगे, ताकि 1 बाय 1 हमें इन्हें स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फटाफट देखिए बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर देख लेते हैं। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को हमने काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री तो आप कितनी भी लगा सकते हो, अगर किसी वेरिएबल की आपने डिग्री 100 लगा दी तो क्या हम ये थोड़ी बोलेंगे 100 डिग्री पॉलिनोमियल, भाई 100 तक थोड़ी जाएंगे, इसीलिए हमने क्या किया, कुछ लिमिटेड नेम इनके फिक्स कर दिए। ओके चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री के बेस पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, या जीरो डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है,
एनी नॉन जीरो नंबर, हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर है मतलब कि कांस्टेंट नंबर, इसे हम कांस्टेंट पॉलीनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम जीरो डिग्री पॉलीनोमियल भी बोलते हैं। क्यों? उसका रीजन अभी आपको समझ में आने वाला है। एनी नॉन जीरो नंबर, आपके पास कोई नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो जो नहीं होगा, 1 2 3 5 4 9 11 कुछ भी हो सकता है, बस जीरो ना हो, ठीक है, कॉन्स्टेंट, बिल्कुल कॉन्स्टेंट। जनरल फॉर्म, उसकी जो जनरल फॉर्म रहेगी fx इक्वल a रहेगी, मतलब कि कोई पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आप fx से वो कर रहे हो, शो कर रहे हो, ठीक है, कर दिया आपने इस पॉलिनोमियल को fx से डिनोट। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, आपकी हमने बोला है कोई नंबर, ये लीजिए कोई नंबर, अब ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो हमने इसे क्या नेम दे दिया, ए नेम दे दिया, क्लियर है, ओके, समझ में आया। जरूरी नहीं है आप पॉलिनोमियल को एफ एक्स से ही डिनोट करो, पी एक्स से भी कर सकते हो, जी एक्स से भी, जो इच्छा हो उससे कर सकते हो, ओके, क्लियर है। सिर्फ हमने यहाँ समझने के लिए एफ एक्स लिया है। सेकंड आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, यहाँ पर हमने देखा कि डिग्री कितनी है, जीरो है भाई, इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, जीरो है, सॉरी वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, इस कॉन्स्टेंट की डिग्री कितनी है, जीरो है, इसलिए ये जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, वन होती है, वो क्या होगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्लियर। इसकी जो जनरल फॉर्म रहेगी वो रहेगी एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी, क्या रहेगी, एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी, ओके। देखो ये हमारा वेरिएबल, इसकी पावर वन, इसलिए क्या बोला हमने इसे लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। सेकंड आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहेगी, टू रहेगी, तो इसकी आपके पास जनरल फॉर्म रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है। तो जब आपके पास कॉन्स्टेंट की पावर जीरो है तो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर वन है तो लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इन सब में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, किसके, जीरो के। फटाक से इसे नोट करो, फिर आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, थ्री होगी डिग्री, ये लीजिए ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री होती है वो क्या होगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी ये लीजिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके, क्लियर। अब हमने यहाँ क्या बोला बेटा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ ए की वैल्यू को जीरो कर देते हो तो ये तो हो गया आपका पूरा जीरो। अब बच्चा क्या, ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो तो क्या होता है, जो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है, क्लियर है, डिग्री के बेस पर, इसीलिए हमने बोला है कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर क्वाड्रेटिक में आप ए की वैल्यू को जीरो कर दोगे तो वो लीनियर पॉलीनोमियल बन जाएगा, ओके, क्लियर है, लीनियर को जीरो कर दोगे तो वो कॉन्स्टेंट बन जाएगा, इसीलिए बोला गया है कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसे हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनली बाई क्वाड्रेटिक, ओके, जिसकी पावर क्या हो, फोर हो, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री फोर हो वो क्या होगा हमारा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें आप लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल, इसकी जो जनरल टर्म लिखोगे, जनरल फॉर्म लिखोगे, क्या होगी, ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ओके, क्लियर है। ये क्या हुआ बेटा आपके, ये पूरा हुआ क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ओके। फटाक से इसे नोट करो, फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं, चलें, चलिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट देख लीजिए, ये 110% बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। ए पॉलिनोमियल हैविंग फोर और मोर देन फोर टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल में फोर या फोर से ज़्यादा टर्म्स डज नॉट हैव ए पर्टिकुलर नेम, मतलब कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5, कॉन्स्टेंट को भी ले लेते हो तो 5 टर्म हो रही, मतलब कि इसीलिए हमने बोला है कि जिस पॉलिनोमियल में फोर या फोर से ज़्यादा टर्म्स हो तो हम क्या करते हैं उसे, उसको हम एक पार्टिकुलर नेम नहीं दे सकते, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स, क्लियर है। जब हमारे पास 1 टर्म थी तो कॉन्स्टेंट बोल दिया हमने, 2 टर्म आ गई लीनियर, 3 टर्म आ गई तो क्या बोल दिया, क्वाड्रेटिक, 4 में क्यूबिक 5 में बाई क्वाड्रेटिक। अब 5 से ज़्यादा क्या बोले, इसीलिए बोला गया है कि 4 या 4 से ज़्यादा अगर टर्म्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, ओके। एफ एक्स इक्वल जीरो, जब
एफ एक्स इक्वल जीरो इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब कि एफ एक्स इक्वल हो जीरो के, ठीक है, या एफ एक्स हमें जीरो मिल जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जिसकी डिग्री हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके चलिए, आपको काफ़ी अच्छे से आगे समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। तो देखो एक बार देख लो क्लासिफिकेशन, देख लो पॉलिनोमियल का, देखो जब डिग्री जीरो है तो क्या बोला हमने उसे, कांस्टेंट, जैसे ये कांस्टेंट का एग्जांपल ले लिया। ओके इसी तरह से जब हमारे पास डिग्री वन है तो ये लीजिए लीनियर, अब यहाँ पर डिग्री क्या है, वन है, एन टू मतलब कि डिग्री टू, ये लीजिए डिग्री टू, एन थ्री डिग्री थ्री, एन फोर डिग्री फोर, एन फाइव डिग्री फाइव, क्लियर है, आगे बात समझ में। तो इसे हम फाइनली पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि फोर या फोर से ज्यादा टर्म्स है। ओके फटाक से इसे नोट करो, ये एग्जाम्पल से आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसलिए आपको मेनली क्या याद रखना है, डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के फोर पार्ट्स तो अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, फर्स्ट क्या रखोगे, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल, सेकंड सेकंड क्या रखोगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ क्यूबिक, एंड फिफ्थ फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट करो इसे, चले आगे। चलो अब हम बात करते हैं टर्म्स के बेस पर, किसके बेस पर बेटा, टर्म्स के बेस पर। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती है। देखो टर्म्स जैसे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये थ्री एक्स स्क्वायर वन टर्म, फोर एक्स सेकेंड टर्म, नाइन थर्ड टर्म, ये क्या है हमारी टर्म्स है। ओके तो टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास मोनोमियल, क्या आता है, मोनोमियल, ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी ए मोनोमियल इफ इट हैज ओनली वन टर्म, जिसमें क्या हो, वन टर्म हो, वो क्या होगा आपका मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल ले लो 8y-77x, 4x2, इन सब में क्या देख रहे हो, वन टर्म देख रहे हो ना, अगर आप इन दो को हटा देते हो क्या बचता है यहाँ पर, वन टर्म बचती है 3x2। ओके तो मोनोमियल मीन्स क्या होगा, जिसमें वन टर्म हो। सेकंड आता है बाइनोमियल, मोनोमियल का ही भाई बाइनोमियल, टू टर्म्स हो जाएगी इसमें, देखो कितनी टर्म्स हो, टू टर्म्स, वन टर्म वन टर्म वन टर्म वन टर्म वन टर्म वन टर्म। ओके क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा, थ्री टर्म्स होगी, तो जिस पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स हो वो हमारा हो गया ट्राइनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में वन टर्म हो मोनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में हमारी टू टर्म हो बाइनोमियल। ओके फटाफट से देख लीजिए, वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म, वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म, क्लियर है, समझ में आ गया, फटाफट नोट करो इसे, चला आगे। तो आपको ये याद रखना है डिग्री के बेस पर और टर्म्स के बेस पर, डिग्री में वेरिएबल की पावर देखना, टर्म्स तो आपको समझा दिया मैंने अभी। चलो अब हमारे पास इसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, हमें वो पॉलिनोमियल देखने हैं जो वन वेरिएबल वाले हैं और जो नहीं है। ओके स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपके आंसर का आपको रीजन भी देना है। तो चलो फर्स्ट देखो, 3x²-4x+15, बेटा यहां पर वेरिएबल देखो, सबसे पहले तो आपकी वेरिएबल क्या है आपके पास, फटाफट बताओ मुझे वेरिएबल क्या है, x है ना, x आपका वेरिएबल है मानते हो ना, ये तो ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल का होगा, क्या हो गया ये, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। ओके इसको देख लो, वन वेरिएबल, ये 2√3 है, ठीक है, यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं है, ये वन वेरिएबल। ओके क्लियर, ये पॉलिनोमियल है क्या, अरे ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है, क्यों, एक्स माइनस फोर की, फोर एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस वन, तो नेगेटिव तो पावर हो ही नहीं सकती, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, √x+√2x, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि रूट एक्स है, तो रूट को जब आप हटाओगे तो पावर 1/2 आएगी और पावर फ्रैक्शन फॉर्म में तो हो नहीं सकती। ओके यहां देखिए एक्स वाई और टी, यहां थ्री वेरिएबल है तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, थ्री टर्म थ्री वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल है। ओके जहां पर हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में मेनली ये पूछा गया है कि वन वेरिएबल कहाँ है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है तो हम इनको देखकर डायरेक्ट बता सकते हैं। अब वन वेरिएबल टू वेरिएबल में भी आपको क्लियर देखना, अगर एक्स है तो वन वेरिएबल, वाई है तो वन वेरिएबल, जेड है तो वन वेरिएबल, लेकिन एक्स और वाई दोनों हैं तो टू वेरिएबल, एक्स वाई जेड तीनों हैं तो थ्री वेरिएबल। ओके क्लियर है, तो चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे, समझ में आ गया आपको, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हमें पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। बेटा देखो मैंने अभी आपको क्लियर बताया, सीधा सा क्या बताया है? मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर डिग्री वन है, क्या है बेटा वन, तो क्या होगा वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री टू है तो क्या होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। इसी तरह से जब डिग्री आपकी थ्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सब आप स्टडी कर चुके हो, क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनकी डिग्री देखनी है। चलो वन फर्स्ट फर्स्ट लेते हैं हम, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। बेटा वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है। अब इस x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पावर कितनी है वन है, यहाँ पावर कितनी है टू है, तो बड़ा कौन है टू पावर बड़ी, तो जहां डिग्री टू है वेरिएबल की वो क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर। चलो सेकंड ले लो, थ्री एक्स माइनस टू, वेरिएबल की पावर देखो कितनी है वन, वन जहां पावर वन वहां वहां कौन लीनियर, क्लियर ओके। मैथ्स द फॉलोइंग सिखा देता हूं आज आपको, काफी टाइम हो गया होगा ना मैथ्स किए हुए, चलो सीख लो आज। टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपको तो डायरेक्ट नेम लिखने हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैथ कर रहा हूं, ओके। वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है, यहां पावर वन यहां पावर टू, जहां पावर टू वहां कौन है क्वाड्रेटिक है, ओके। चलो फोर्थ फोर्थ देखो फटाफट से, थ्री वाई, थ्री वाई वेरिएबल देखो, वन वेरिएबल जाएगा लीनियर पे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिफ्थ देख लो, फिफ्थ टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन ये लीजिए, टी स्क्वायर प्लस वन पावर टू, तो समझ में आ गया क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से अब लास्ट वाला इसको देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि देखो टी की पावर फोर, टी की पावर थ्री और टी की पावर वन। बेटा अब यहां देखोगे आपके साथ टी की पावर टू तो आई नहीं, तो क्या करें, अरे भाई परेशान नहीं होना, देखो सेवन टी की पावर फोर प्लस फोर टी की पावर थ्री, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। ये हटा दूं मैं, ये तो वैसे आपने नोट कर ही लिया है, क्लियर, इरेज कर देता हूं इससे तो मैं। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, सेवन टी की पावर फोर प्लस सेवन फोर टी की पावर थ्री, क्लियर ओके। अब हमारे पास क्या है, टू नहीं है पावर, क्या आप इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्या किया मैंने, मैंने ऐड कर दिया किसे, जीरो इंटू टी की पावर टू को, मतलब जीरो टी स्क्वायर को मैंने क्या किया इसमें ऐड कर दिया। जब आप जीरो इंटू टी स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो को इसमें ऐड करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली आप डिग्री देखो, यहां डिग्री कितनी, फोर थ्री टू वन, हाइएस्ट डिग्री कितनी है, हाइएस्ट डिग्री बेटा फोर है, हाइएस्ट डिग्री कितनी है फोर है, जब हाइएस्ट डिग्री फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक आएगा आपके पास, ओके क्लियर है। तो ये क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है, समझ में आया, फटाफट नोट करो इसे, फिर हम चलते हैं आगे। चलो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें यहां पर पॉलिनोमियल दिए हैं और इन पॉलिनोमियल की हमें क्या करना है, डिग्री लिखना है, क्लियर है। अब तो लिख सकते हैं, देखो सेवन एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, डिग्री कितनी है, डिग्री थ्री है, हाईएस्ट डिग्री दिखनी है आपको, यहाँ डिग्री कितनी है एक्स है, एक्स क्यूब है, हाईएस्ट डिग्री आपकी थ्री है, क्लियर है। यहाँ डिग्री वेरिएबल की क्या होगी, वन होगी, यहाँ डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी, यहाँ डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी। अरे भाई मैंने क्या बताया था आपको, पॉलिनोमियल का जब हमने क्लासिफिकेशन किया डिग्री के बेस पर, जब डिग्री जीरो तो क्या बोलोगे उसे, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिग्री जीरो
क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं आया याद, फिर भी समझ में नहीं आया, तो एफ एक्स इक्वल क्या होगा, ए इसकी जनरल टर्म याद आ गया अब तो, समझ गए। और ए क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है, तो ये लीजिए रियल नंबर, ये लीजिए रियल नंबर, तो डिग्री कितनी आ गई इनकी, 0 आ गई। ओके क्लियर है। तो क्लासिफिकेशन में आपने क्या समझा कि हमने पॉलिनोमियल को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया, वेरिएबल के बेस पर, सेकंड डिग्री के बेस पर, थर्ड टर्म्स के बेस पर। वेरिएबल तो मैंने आपको क्लियर बता दिया डायरेक्टली कि एक्स वाई जेड वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल हो तो, टू वेरिएबल हो तो एक्स वाई, थ्री वेरिएबल हो तो एक्स वाई जेड। ओके डिग्री के बेस पर हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया मेनली, बाकी फिर हमने बोल दिया कि 4 से या 4 ज़्यादा हो पावर तो हम क्या बोलेंगे, उससे पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके तो फर्स्ट कौन सा था हमारा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, क्लियर। सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्या था हमारा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्लियर। इधर टर्म्स के बेस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 1 टर्म मतलब मोनोमियल, 2 टर्म मतलब बाइनोमियल, 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल। ओके फटाफट नोट करो, चले आगे। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था बेटा पॉलिनोमियल के बेसिक इंट्रोडक्शन पर, जिसमें हमने इसकी जनरल डेफिनेशन, जैसे कि क्या क्या डेफिनेशन थी, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कॉफिशियंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सब के बारे में स्टडी किया। साथ में पॉलिनोमियल को समझे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, वो क्या है आपका पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के हमने क्लासिफिकेशन के बारे में यह डिस्कशन किया। ओके क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। इस लेक्चर में आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या करना है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट बिना देर किए हुए इसी की तरह फटाफट से लाइक प्रेस कर दो, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बिल्कुल करना है। क्यों, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो हमारे जो आने वाले वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा आपको। ओके तो फटाफट से बिना देर के वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलिए बाय।